नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। हम आज बात करते हैं नागणेची माता की। नागणेची माता राठौड़ राजपूत की कुल देवी हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कल्याणपुर के पास नागाना गांव में नागणेची माता की मूर्त हैं। यही माता का मूल स्वरूप है। यह तस्वीर राजसमंद जिले में बागोटा गाँव में स्थित मंदिर की हैं। अब देख रहे हैं नागाना गाँव में नागणेची माता मंदिर का यह मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पार्किंग व्यवस्था है तो दर्शनार्थियों के लिए सुगम व्यवस्था आवाजाही की भी है। मुख्य मंदिर के बाहर एक यज्ञशाला यानी हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पास में बड़ा नगाड़ा है। श्रद्धालु हवन कुंड के भी दर्शन करने यहाँ आते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आगे श्रद्धालु मुख्य मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के द्वार से पहले कुछ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार आता है। आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं, यह यज्ञशाला के अंदर ही नगाड़े हैं जो सेवा पूजा के दौरान होती हैं। उसके बाद श्रद्धालु यह सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं और श्रद्धालु माता के मंदिर में अपने साक्षात दंडवत करते हुए माता को भोग लगाते हैं। मुझे भी मेरे परिवार के साथ नागाना जाने और माता के दर्शन का पहली बार सौभाग्य मिला। मैंने न सिर्फ माता के दर्शन किए बल्कि मंदिर के पूरे इतिहास को भी जानने का प्रयास किया। अभी कोरोना की वजह से कुछ प्रतिबंध हैं थे, मगर दर्शनार्थियों के ठहरने, खाने पीने व नहाने धोने तक की सारी सुविधा इस मंदिर में उपलब्ध हैं और श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग की भी लंबी चौड़ियाँ व्यवस्था हैं। अभी कोरोना प्रतिबंध के चलते कुछ पाबंदियाँ जरूर मंदिर प्रबंधन द्वारा लगा रखी हैं, लेकिन दर्शन व्यवस्था अभी भी पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। हम बाड़मेर जिले में आए हैं। नागाना यहाँ पे है, नागाना यहाँ पे नागणेचा है मंदिर है। यहाँ पे हमारी कुल देवी माँ है नागणेचा माँ। और इतिहास की बात करें तो राव सीओजी के पौत्र दुहड़ जी एक बार कन्नौज गए थे जहाँ राठौड़ का राज था। उस वक्त इन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जिले में नागाना गांव में नागणेची मंदिर की स्थापना की थी। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने विक्रम संवत 1523 में मेहरानगढ़ में भी नागणेची माता मंदिर की स्थापना की। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव दुहड़ विक्रम संवत 1248 ज्येष्ठ सुदी 13 को कर्नाटक देश सु कुल देवी चक्रेश्वरी री सोनारी मूर्त लायर्न गांव नागाणे थापत कीवी तिनसु नागणेची कहाई। मूर्ति में सिंह पर सवार माँ नागणेची के मस्तक पर नाग फन फैलाए हैं। माता के हाथों त्रिशूल व खप्पर हैं। नागणेची माता को नागणेच्या मनसा देवी राठेश्वरी पंखीनी माता भी कहते हैं। राठौड़ वंश की कुलदेवी का मुख्य मंदिर बाड़मेर जिले के कल्याणपुर के पास नागाना गांव में स्थित है। यह मंदिर जोधपुर से 96 किलोमीटर दूर है। नागणेची माता के महिषामर्दिनी स्वरूप हैं। बाज या चील उनका प्रतीक चिन्ह है जो मारवाड़ जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़ रियासत के झंडों पर भी देखा जा सकता है। नागणेची देवी जोधपुर राज्य की कुलदेवी थी क्योंकि इस देवी का निवास स्थान नीम के वृक्ष के नीचे माना जाता था। अतः जोधपुर में नीम के वृक्ष का आदर किया जाता था और उसकी लकड़ी का प्रयोग भी कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। यही परंपरा राठौड़ वंश के राजपूत ज़्यादातर गांवों में आज भी उसी तरह निभा रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह राठौड़ राजपूत वंश के जो लोग हैं वो आज नीम की लकड़ी नहीं जलाते हैं और न ही नीम की लकड़ी का कोई उपयोग करते हैं। अब हम अगर नागणेची माता के इतिहास की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी भी एक लंबी कहानी है। उस कहानी का क्या रहस्य है, क्या किंवदंती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार बचपन में राव दुहड़ ननियाल गए थे जहां उनके मामा जी का बेडोल पेट देखकर वे काफ़ी हंस गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस हंसी पर उनके मामा को गुस्सा आ गया और मामा बोले कि अरे भाणेज, तुम मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो मगर तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी को देखकर सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ नहीं ला सके, तभी तो तुम्हारा स्थाई कोई ठोर ठिकाना भी नहीं बन पा रहा है। मामा जी की इस कड़वी बात को लेकर राव दुहड़ मन ही मन निश्चय किया कि कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा।
वे अपने पिताजी राव आस्थाना जी के पास खेड़ चले गए। लेकिन राव दुहड़ को यह पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और कैसे लाई जा सकती हैं। उन्होंने तपस्या कर देवी को प्रसन्न करने का निश्चय कर लिया। एक दिन बालक राव दुहड़ चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अन्न जल त्याग कर तपस्या शुरू कर दी। बाल हट के कारण आखिर देवी को हृदय पसीस गया और देवी प्रकट हुई। तब बालक राव दुहड़ जी ने देवी को आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुलदेवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है, वह कैसे लाई जा सकती हैं। देवी ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी कन्नौज में हैं। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी अभी। फिर राव आस्थाना जी का स्वर्गवास हुआ और राव दुहड़ को जब शासक बने, तब एक दिन राजपुरोहित पिथड़ जी को साथ लेकर राव दुहड़ जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लूम ऋषि मिले। उन्होंने दुहड़ जी को माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन करवाए और कहा कि यही तुम्हारी कुलदेवी हैं, इसे तुम साथ ले जा सकते हो। जब राव दुहड़ जी कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया, तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, मैं पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूँगी। तब राव दुहड़ जी ने कहा, माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हो। तब माँ कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हें पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूँ, तुम यह समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बीच में कहीं रुकना मत। अगर तुम रुक गए तो मैं उसी जगह रुक जाऊंगी और कभी आगे नहीं आऊंगी। राव दुहड़ जी ने कुलदेवी का आदेश मान लिया और वैसा ही किया। राव दुहड़ जी कन्नौज से रवाना होकर नागाना पर्वत के पास पहुंचते हैं। तब तक वे काफ़ी थक गए थे, उसी कारण उन्होंने वहां विश्राम किया और नीम के पेड़ के नीचे तनिक रुके और अत्यधिक अचानक उन्हें थकावट के कारण नींद भी आ गई। जब अचानक वापस उनकी आँख खुली तो देखा कि पंखिनी नीम के वृक्ष पर बैठी हैं। राव दुहड़ जी हड़बड़ाकर उठे और आगे चलने को तैयार हुए तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे मैं वहीं रुक जाऊँगी, फिर आगे नहीं चलूँगी, अब मैं आगे नहीं चल सकती। तब राव दुहड़ जी ने कहा, हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है। कुलदेवी बोली, अगर कल सुबह सवा प्रहर दिन चढ़ने से पहले पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना, यही क्षेत्र अब मेरा ओरण होगा और यहाँ मैं मूर्ति रूप में प्रकट होऊंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मैं जब प्रकट होऊंगी तब तुम ग्वालियर से यह कह देना वह गायों को हाक न करें, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते उसी जगह रुक जाएगी। अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर राव दुहड़ जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहाँ के ग्वालियर से कहा कि गायों को रोकने के लिए आवाज़ मत करना, चुप रहना, तुम्हारी गायें जहाँ भी जाएगी वहाँ से लाकर मैं दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी, इसके साथ ही भूमि से कुलदेवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। डर के मारे ग्वालियर की गायें इधर से उधर भागने लगी। तभी स्वभाववश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने की आवाज़ निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज़ निकलनी थी और प्रकट होती होती नागणे जी माता की मूर्ति उसी जगह थम गई। ऐसे कमर तक ही मूर्ति भूमि से बाहर आ सकी। राव दुहड़ जी ने होनी को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ दशम संवत 1362 में मंदिर का निर्माण करवाया। क्योंकि चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति रूप में प्रकटी, अतः वह चारों ओर नागणेची रूप में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची कहलाई। 18 भुजायुक्त नागणेची माता के नागाना में स्थित मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। इसके अलावा नवरात्र के दौरान भी यहाँ बड़ा मेला लगता है। माता को लपसी खाजा का भोग लगता है। सप्त धागों को कुमकुम रंजित कर माता का प्रसाद मानकर सभी राखी बांधते हैं।
इसके अलावा नागणीची माता के मंदिर जालौर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर के मेड़ता में मीरा मंदिर, मीरा महल में भी स्थित हैं। फिर राठौड़ राजाओं ने महलों में भी कुलदेवी के मंदिर बनवाए ताकि वे प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। तो यह थी नागणीची माता की कथा, कहानी या किंवदंती। इसका जो इतिहास ये है, अब नागणा का जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर से देश भर से राठौड़ राजपूत के वंशज वहाँ आते हैं। अब अभी राठौड़ गोत्र से रिलेटेड जो दूसरी जातियों के, उसमें जैन भी हो गए या सेन हो गए या अन्य जाति के जो भी लोग हैं, वो भी नागणीची माता को मानते हैं और वो नागणीची माता के मुख्य मंदिर से जोत ले जाते हैं और अपने अपने गांव या कस्बे में उसकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। अब मंदिर की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे मंदिर के ट्रस्ट महेंद्र सिंह जी राठौड़। जय माता जी की। हुक्म होगा कि माँ नागणेचा जो है अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इसमें संपूर्ण भारत के जितने भी राठौड़ हैं उन सब की उसमें अशिष्ट विशिष्ट एक आस्था है माता जी के प्रति। और माता जी का जो टेंपल है वो कल्याणपुरा से 13 किलोमीटर दूर नागाणा गांव में स्थित है, जहाँ पर पूरे देश और विदेश से माँ भगवती के श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और वो अपने पूरे काज यहाँ पर होते हैं। माता जी की आरती का जो समय है, दो बार माता जी की सुबह आरती होती है, एक बार तो सुबह गणेश आरती होती है, उसके बाद में माता जी की स्वयं की नागणेचा माता की आरती होती है और एक आरती यहाँ पर शाम को होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष फैसिलिटी है, उनके रहने की, उनके खाने की ये सारी सुविधाएँ हैं। माता के चमत्कार जो हैं वो बहुत ही विश्वसनीय है, और क्योंकि माता का हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई चमत्कार होता है, कोई ना कोई बंदा अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आता है ताकि पर्टिकुलरली वो अपनी जो भी उसकी भावना है, जो भी उसकी पर्टिकुलरली इच्छा है, वो यहाँ पर आने से पूरी होती है। राठौड़ वंश विशेष रूप से माँ का माँ के प्रति स्नेह रखता है क्योंकि माँ हमारी कुलदेवी भी है, और साथ ही साथ पर्टिकुलरली जात जड़ूले ये सारे के सारे राठौड़ वंश के इसी नागणेचा माता मंदिर में होते हैं। राठौड़ यहाँ पर साल में एक बार जात लगाने आते हैं और यहाँ पर एक माता जी की ज्योति को भी लेके जाया जाता है ताकि वो पर्टिकुलरली उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को ऐसा लगता है कि उस माँ की ज्योति के साथ में माँ स्वयं उनके साथ उनके घर पर आ रही है और माँ उनके विघ्नों को हर रही है। तो अभी इसी के संदर्भ में माँ भगवती का एक संपूर्ण एक दस्तावेज तैयार हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं माँ नागणेचा डॉक्यूमेंट्री, जो बहुत ही जल्दी पर्टिकुलरली पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में वो लॉन्च हो रही है। आपको विस्तृत जानकारी जो है माँ नागणेचा डॉक्यूमेंट्री में मिलेगी। ये जैसे बाड़मेर जिले में है और नज़दीक जोधपुर के पास है, इसके जो आसपास के दोनों चारों तरफ से कौन कौन से मुख्य रास्ते हैं वो है? इसका मुख्य रास्ता है, अगर आप वाया जोधपुर होके आते हैं तो सबसे पहले आपको जोधपुर आना पड़ेगा। जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर कल्याणपुरा है, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर माँ भगवती का मंदिर है। बसें भी आती है, ट्रेन्स की व्यवस्था भी है, इसके अलावा पर्सनल गाड़ी लेके भी आप आ सकते हो और यहाँ पर पार्किंग वार्किंग सारी व्यवस्थाएं हैं। ये मतलब कोई समय के अनुसार ही दर्शन खुलते हैं या नियमित सदा? ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेके और 8 बजे तक माता जी का मंदिर सभी भक्तों के लिए खुला है अभी कोरोना की वजह से, और उसके बाद में हो सकता है इस समय को बढ़ा दिया जाए, बट अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक माता जी के दर्शन अवेलेबल है। इसका मेन इतिहास क्या है, कब की स्थापना हुई इस मंदिर की? ये सर, ये तो कई सदियों पुराना मंदिर है ना, और करीबन इस मंदिर की मान्यता ये है कि हमारा जो राठौड़ वंश जो है, पहले हम लोग राठौड़ नहीं थे, पहले हम लोग आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो कन्नौज हमारी राजधानी हुआ करती थी, हम कन्नौज से आए हैं और जो भी हम लोग राष्ट्रकूट हुआ करते थे राठौड़ वंश के लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारे जो पूर्वज हैं राव दुहर जी को माता जी ने विशेष कृपा दृष्टि उनके ऊपर थी माता जी की, वो माता जी के प्रति असीम आस्था रखते थे तो वो माँ की मूर्ति को यहाँ पर लेके आए। उस टाइम हमारी पर्टिकुलरली खेड़ में राजधानी हुआ करती थी फिर, और माँ भगवती की वजह से ही राठौड़ वंश का आपने आज देखा होगा कि 9 कोटी राजा है, पर्टिकुलरली राठौड़ वंश जो 9 कोटों तक फैला हुआ है, मतलब इतनी शाखाएं किसी भी और राजवंश की नहीं हुई जितनी राठौड़ों की हुई। तो उसके प्रति जो अगर उसकी आप तय तक जाएंगे तो वो सारी की सारी जो भी पर्टिकुलरली आज हमारा आप साम्राज्य कह दें, चाहे बार टाइम पे मतलब स्टेट टाइम पे वो साम्राज्य था, वो माँ भगवती की असीम कृपा की वजह से ही हो पाया। मंदिर की यहाँ पूजा अर्चना जो करते हैं वो क्या सिस्टम है? यहाँ मंदिर में हमारे कोई आडम्बर नहीं है, बहुत सिंपल मंदिर की पूजा की जाती है। यहाँ पर इस तरह से कोई पंडित पोंगा वो सिस्टम नहीं है, दान दक्षिणा का भी कोई सिस्टम नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप लगाएं चढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती लूट कसोट किसी भक्त के साथ नहीं की जाती है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है और यहीं के राठौड़ नागाणा गांव के जो राठौड़ लोग हैं वो माता जी की पूजा करते हैं। अभी इसका मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गठित है? हाँ, अभी मंदिर प्रबंधन जो है वो माँ नागणेचा माता ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है, जिसके अंदर महाराजा साहब जोधपुर नरेश अगस्त सिंह साहब जो है उसके ट्रस्टी हैं।
और उनका परिवार जो है, पर्टिकुलरली इसके अलावा कुछ राजपूतों की एक पूरी कमेटी है जो डेडिकेटेड है राज माँ भगवती के श्री चरणों में, उन लोगों के सहयोग से सानिध्य से ये मंदिर पूरा का पूरा चलता है। अभी मंदिर में करीबन 100 से 125 का स्टाफ है जो अलग अलग चीज़ों को देखता है, सुरक्षा वगैरह के लिए। यहाँ एक चौकी भी बनाई हुई है, चौकी के अलावा वो भी गवर्नमेंट की तरफ से चौकी है सुरक्षा के लिए, इसके अलावा पर्टिकुलरली मंदिर के खुद के भी गार्ड्स हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे सर? यहाँ कोरोना काल के अलावा प्रतिवर्ष की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष चलते हैं, और नवरात्रा के अंदर विशेष तौर से मेला लगता है यहाँ पर माता जी का, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वो अपनी मनोकामनाओं के लिए माँ भगवती से अपनी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। और उसी आस्था से आज भी नागणेची माता के चमत्कार देखे जा सकते हैं। पूरे देश भर से लोग विभिन्न समस्याएं लेकर माता के दरबार नागाना पहुंचते हैं, और इसी तरह राजसमंद जिले में बागोटा गांव है जहां भी एक नागणेची माता का मंदिर है। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जहां आसपास से दूर दराज से लोग यहां आते हैं, और इस मंदिर में हर रविवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर अब तक हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और नए अपडेट वीडियो के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको चैनल पर आने वाला हर अपडेट वीडियो तत्काल आपको मिल सके। धन्यवाद।